देखो अभी 1942 से हमने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी ऑन फास्ट, आपके राजगोपालचारी एंड देसाई लियाकत का जो भी पैक्ट हो रहा था और जहाँ पे जो इश्यूज चल रहे थे उसको जानने की कोशिश की थी। अब वेवल प्लान की तरफ चले जाते हैं, जून 1945 के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होता है। अभी लॉर्ड वेवल को भारत भेज दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है दैट यू शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस विद द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड इंडियन पीपल एंड यू शुड कम टू अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, कि भी भारत के अंदर आप लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सॉल्यूशन ला पाओ, उसकी तरफ उनको प्रस्थान करने के लिए बोला जाता है। ओके, सो अगर अब मौका आ गया है, आपको लॉर्ड वेवल का भी जो भी प्रपोजल होगा याद रखना पड़ेगा। पहले आपको ऑगस्ट ऑफर याद रखना है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह याद रखना है, क्रिप्स मिशन याद रखना है, फिर राजगोपालचारी फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपको देसाई लियाकत पैक्ट याद कर रखना है, और आपका छठा अभी जो जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आ रहा है वो है आपके वेवल प्लान का। खैर इसके बाद ज़्यादा नहीं है, अब कैबिनेट मिशन आएगा और माउंटबेटन प्लान, और 8 टोटल आपके ये जो क्रोनोलॉजी बेस्ड आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट है उतना आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दैट जून 1945 के अंदर जब वेवल को भारत भेज दिया जाता है तो आपकी कांग्रेस लीडरशिप को जेल से रिहा कर दिया जाता है और लॉर्ड वेवल को बोला जाता है दैट यू शुड स्टार्ट नेगोशिएशंस विद द इंडियन लीडरशिप और आप उनके साथ बातें की रहे और कुछ एग्रीमेंट के ऊपर आने चाहिए। ओके, अब मुद्दा ये आ रहा था कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कि सरकार तो बीच बीच में हाथ खड़े कर देती थी। अभी अचानक से ही जैसे हमने देखा ना 42-43 के में जब क्रिप्स को भेजा गया है तो उसके पीछे क्या था, प्रेशर बहुत था। यहाँ पे भी ऐसी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि शायद कोई प्रेशर वाली चीज़ थी या ऐसी कोई घटना थी जो सरकार को कंपेल कर रही थी कि आप जाके लॉर्ड वेवल के लिए कुछ कीजिए। ओके, अब देखिएगा कि इंग्लैंड के अंदर करीबन 1945 का जो बीच वाला जो पीरियड था, मई जून जुलाई वाला, वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे, जनरल इलेक्शंस हो रहे थे एंड द गवर्नमेंट एट दैट टाइम वॉज फ्रॉम द कंजर्वेटिव्स। ओके, आपकी जो विक्स पार्टी है कंजर्वेटिव्स, उनकी पार्टी हुआ करती थी पावर के अंदर, चर्चिल की सरकार जो हुआ करती थी। भी चर्चिल ने ब्रिटिशर्स को विक्ट्री भी दिलाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटेन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और लेटर ऑन फिर चर्चिल उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं बैटल के अंदर। ओके, सेकेंडली यहाँ पे जो ब्रिटिश अलाइज थे उनका भी प्रेशर था कि भाई चलो अभी इंडिया का चैप्टर क्लोज करो आप। ओके, एंड यू शुड लुक सिंसियर, आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए, और इन दिस कंडीशन इनको लगता है कि ये लोग लॉर्ड वेवल को भेज देते हैं भारत के अंदर। अब यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय लॉर्ड वेवल वंस ही कम्स टू इंडिया और किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं। ओके, लॉर्ड वेवल यहाँ पे तुरंत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उसको बोला गया था, वहाँ बोला जाता है कि यू शुड रिकंस्ट्रक्ट द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयर फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लॉर्ड वेवल बहुत ही थॉट ऑफ प्रोसेस क्लियर करके आया था कि मैं यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी जगह हम लोग नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे। साथों साथ इसने ये भी बताया कि हम लोग नया जो संविधान बनाना है भारत के लिए उसके लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो डेडलॉक यहाँ पे जो बार बार के ऊपर पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ चले जाता है उसके लिए हम लोग समझौता करने के लिए कहीं और मिलते हैं। अभी मई जून महीना था, मई जून महीने की समर, इंडिया की समर, अभी नए नए वहाँ से लंदन से आए थे भाई साहब ये। ओके, सो आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ इंडिया का समर जो इनके लिए रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने समर कैपिटल बनाया था शिमला, तो 3-4 महीने के लिए पूरा सरगस हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की करके सबको उठा के शिमला भेज दिया जाता था, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। तो इन्होंने बताया कि चलो मिल बैठे 3 यार और सबको शिमला लेके गए, एक साइड के ऊपर कांग्रेस, एक साइड के ऊपर मुस्लिम लीग और तीसरी साइड के ऊपर आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और शिमला के ऊपर एक मीटिंग करते हैं। खैर देखिए शिमला का भी बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, आईआर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा शिमला एग्रीमेंट 1972 इंडिया पाकिस्तान, उसके पहले जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस हम लोग देखते हैं। ओके, तो वाइसराय बताता है कि आई विल रिफॉर्म माय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड आई विल आल्सो ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज, बट वो इशू हम लोग कहाँ सॉल्व करेंगे, बोले शिमला में जाके ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं जो आती रहती है आपकी हिमालयस की उसकी गोद के अंदर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वेवल वहाँ पे सबको बिठाता है, अब उसके क्या क्या मेन प्रपोजल्स थे वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहला बताता है दैट द ऑल मेंबर्स ऑफ माय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ इंडियन पीपल एक्सेप्ट मी द वाइसरॉय हिमसेल्फ एंड द कमांडर इन चीफ। आपकी जो सेना का सेनापति है और आपका जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, इन दोनों पोस्ट को छोड़ के
जितने भी मेजर पॉलिटिकल जितने भी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सभ्य थे वो सब के सब को हम लोग इंडियन पीपल से भर देंगे, विल बी द इंडियन पीपल विल बी रिप्रेजेंटिंग द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितनी रिफॉर्म हुई, 1909 में पहले भारतीय एसपी सिन्हा को इन्होंने लॉ मेंबर के तौर के ऊपर वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर बिठाया था कि नहीं बिठाया था। अब देखिएगा कि ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहुत ही अव्वल कक्षा की थी। यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहले खाली ऑन इनवाइटी मेंबर हुआ करते थे लॉर्ड मकौले। लॉर्ड मकौले ने यहाँ पे आधुनिक शिक्षण की शुरुआत की थी, मॉडर्न एजुकेशन की, ओके। और फिर लेटर ऑन वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वो खुद लॉ मेंबर भी बनते हैं 1850s में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पिनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था वो भी इनके द्वारा किया गया था, ओके। लॉर्ड मकौले वही लॉ मेंबर के तौर के ऊपर 1909 में एसपी सिन्हा आए और 1944-45 तक आते थे। बाय 1944 एंड 45 यू विल सी दैट दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी रिप्रेजेंटेड सोनली बाय द इंडियंस। सो ये भारत के लोगों का दबदबा था जो वो लोग बता रहे हैं कि अगर वाइसरॉय को यहाँ पे शासन करना है, अगर अंग्रेजों को शासन करना है कि वहां पे सिर्फ भारत के लोग ही उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ओके। ऑल इंडियंस एक्सेप्ट मी एंड माय कमांडर इन चीफ, ये बताना था आपके वाइसरॉय वेवेल का। सेकेंडली इसने ये भी बता दिया कि ये काउंसिल के अंदर द रिप्रेजेंटेशन विल बी फ्रॉम द हिंदूज एंड द मुस्लिम कम्युनिटीज एंड बोथ विल बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंट। बोले समान प्रतिनिधित्व हम लोग रखेंगे हिंदू और मुस्लिमों का, ऐसा नहीं कि इनको ज्यादा और इनको कम सीट दे दी। तो ये भी इनको बैलेंस करने की कोशिश की गई थी हिंदूज और मुस्लिम्स की वेवेल प्लान के जरिए में। तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल वर्क एज ए इंटरिम गवर्नमेंट, ये आंतरिक सरकार के तौर के ऊपर अपना शासन चलाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई और नई सरकार बनाएंगे, बट यही क्योंकि इसके अंदर बचा कौन था, सबके सब आपके ब्रिटिशर्स तो हट गए थे, मेजोरिटी आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सभ्य कौन बचे थे, दे आर ओनली द इंडियन पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट विल बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ही बढ़िया प्रपोजल लेके आया था वेवेल यहाँ पे शिमला के अंदर, बट मुद्दा क्या था, हिंदूज एंड मुस्लिम विल बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट नंबर टू फिर से इसका। अब देखिएगा इसके ऊपर एक कैच था, हिंदूज एंड मुस्लिम विल बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंट। जैसे 40 लोग का काउंसिल बना हाइपोथेटिकली, 20 हिंदू हो गए 20 मुस्लिम हो गए, उसके ऊपर इनका जो बॉस बैठा है वो वाइसरॉय खुद है वेवेल साहब। अब आप देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ, वेवेल ने तो बता दिया दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम विल बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बट जिन्ना यहाँ पे एक फिर से टांग अड़ाते हैं, जिन्ना बताते हैं कि भाई साहब द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और द मुस्लिम्स विल बी रिप्रेजेंटेड एंड नॉमिनेटेड ओनली थ्रू मुस्लिम लीग। बोले मुस्लिम ये जो 40 लोग की सभा होगी उसके अंदर अगर 20 मुस्लिम रहे तो वो 20 के 20 मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेंगी। अब मुस्लिम लीग ये जो प्रपोजल रखती है तो आपको लगता है कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, कांग्रेस बोलेगी हलवा समझ रखा है क्या, बोले आप कौन होते हो मुस्लिम प्रजा की ठेकेदारी करने वाले, हमारे यहाँ भी मुस्लिम लीडर्स है, हमारे कांग्रेस के अंदर भी ऑलरेडी मुस्लिम लीडरशिप है, उस टाइम के अंदर आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर्स हुआ करते थे कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर, बहुत ही दिव्य कक्षा के नेता थे, और वहाँ पे आप उनको दरकिनार कर रहे हो कांग्रेस को। एंड एज अ रिजल्ट व्हेन जिन्ना ऑब्जेक्टेड टू दिस प्लैंक दैट ओनली मुस्लिम लीग विल बी नॉमिनेटिंग द मुस्लिम मेंबर्स, तो यहाँ पे कांग्रेस भी चुप नहीं बैठती, कांग्रेस बोलती है नो 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 दिस इज नॉट राइट, द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड एंड एज अ रिजल्ट ड्यू टू दिस अगेन टग ऑफ वॉर बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग द वेवेल प्लान डिड नॉट वर्क, द लीग वॉन्टेड ऑल द मुस्लिम्स टू बी नॉमिनी ऑफ द मुस्लिम लीग एंड क्लेम सम काइंड ऑफ वीटो इन द काउंसिल। बोले हमारा वीटो रहेगा, बोले हम ही मुस्लिम्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, आप कोई नहीं कर सकते। कांग्रेस बोलती है नहीं, वी आर नॉट ओनली हिंदू पार्टी, वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आप याद करेगा कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को, और यही रहा है जब से कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट 1885 से हुआ था कि दे विल हैव रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड हाउ कैन मुस्लिम लीग पोर्ट्रे इटसेल्फ एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। बोले ये गलत है आपका। एंड व्हेन दिस टग ऑफ वॉर एस्केलेटेड इनटू दिस कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन शिमला अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू फेलियर। और यही आपको बताता है दैट द वेवेल प्लान और द शिमला कॉन्फ्रेंस
which took place under the aegis of Wavell plan failed. The League of Citizenry succeeds. Amrita Bazaar Patrika us time pe publish kiya usne ye headlines publish ki thi. Ab ye Amrita Bazaar Patrika aap phir se purane classes yaad kariyega. Ye kaun sa paper hai? Ye English mein aaya dekho. Pehle vernacular mein aaya karta tha. Bengali ke andar aaya karta tha. But us time pe wo Governor General the aapke Lord Lytton. Unhone vernacular press act laya tha. Purane classes yaad kariyega press wala. To raat ho raat इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था. ये तब से जिंदा था, आज भी जिंदा है. ओके, 1944 में भी एग्जिस्ट करने लग रहा था. उस टाइम में तो इसकी जो रीच है बहुत ही बढ़ गई थी. ओके, तो आपको ये चीज जानने को मिलती रहती है. अगस्त 1942 के अंदर ये चीज हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने देखा. फरवरी 1943 के अंदर आपके यहाँ पे गांधी प्रोटेस्ट के ऊपर उतर जाते हैं, आपके मेंबर्स रिजाइन करते हैं. 43 के अंदर आपके ग्रेट बंगाल फरमाइन भी हुआ. 44-45 के अंदर हमने राजाजी प्लान, सीआर प्लान, द वे आउट करके जो पैम्पलेट उन्होंने लिखा था उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की. 45 के अंदर देसाई लियाकत पैक्ट, समझौता करने की कोशिश की, वो ज़्यादा आगे नहीं चल पाता है. लेटर ऑन यहाँ पे हमने ये भी देखा जून 1945 के अंदर कि यहाँ पे एक और प्लान लाया गया है. प्लान का नाम क्या था? वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस. ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं. बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे फरवरी 1946 के अंदर सरकार बताती है कि हम लोग यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो करेंगे, बट साथों साथ ये जो टाइम था यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी बहुत ही प्रोमिनेंस के ऊपर आ गई थी. आज़ाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. सुभाष चंद्र बोस जो उस टाइम पे एक टाइम के अंदर कांग्रेस के लीडर थे, वो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं. और उसी के बैकग्राउंड के अंदर बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मूवमेंट बैकग्राउंड के अंदर चल रहा था, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे थ्रू INA एंड हाउ इट ऑल इवॉल्व. अब देखिएगा कि फरवरी 1946 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी को लेके जो पॉलिटिकल मूवमेंट चला है ना, उसको हमको समझना होगा. तो उसको समझने के पीछे हमको INA कब एस्टैब्लिश किया गया, आज़ादी इंच फौज या इंडियन नेशनल आर्मी को कब उसकी स्थापना की गई, उसको पहले समझना होगा. वो हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि 1946 के दौरान किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट भारत के अंदर हुए. अब देखिएगा कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ादी हिंद फौज हम लोग जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसके पीछे किस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, वो हम लोग जान लेते हैं 1946 के अंदर. आई गो बैक टू द 1942 टाइम्स, और उसके भी पहले हम लोग को थोड़ा बहुत जानना होगा कि सुभाष चंद्र बोस का रोल इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है. अब हम लोग जान लेते हैं किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आगे हुए. INA को जो डेवलप किया गया है, इंडियन नेशनल आर्मी हैज एसेंशियली बीन डेवलप्ड इन टू फेजेस. एक फेज वन है और एक फेज टू है. फेज वन 1942 के अंदर आता है जब यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलिट्री मूवमेंट के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाएगी. उसको ही स्केल अप करके, उसको ही बूम अप करके आपके सुभाष चंद्र बोस उसको अच्छा खासा उसको और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे. पहले फेज वन का डेवलपमेंट देखते हैं. द फर्स्ट आइडिया वॉज कंसीव्ड बाय मोहन सिंह. ही वॉज अ कैप्टन या मेजर हुआ करते थे आपकी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर. एंड ही कंसीव्ड दिस आइडिया इन 1942. अभी 1942 के अंदर मलया, जो आपके मलेशिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा वाले जो एरिया है, वहाँ पे इनको ये आइडिया है. अभी इनिशियली सिंगापुर यूज टू बी द बेस ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वहाँ पे भी उनका कंटिजेंट हुआ करता था. बट हुआ क्या कि 1942 तक हमने देखा कि जापान इन्वेडेड दिस एरियाज फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन साइड. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर जापान का दबदबा हो गया था. ओके, सो यू विल सी कि मोहन सिंह यहाँ पे जापानीज इन्वेजन के दौरान वो पहले प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू सपोर्ट द जैपनीज. बोले जैपनीज बेसिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं. तो ही टुक द हेल्प ऑफ जैपनीज एंड यहाँ पे वो जैपनीज हेल्प की तरफ चले जाते हैं. एंड दिस इज हाउ इट ऑल इवॉल्व. ओके, ओके, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये जो लाल कलर वाला आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया वेर द जैपनीज ऑक्यूपेशन टुक प्लेस. सो थ्रू आउट आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये जैपनीज ऑक्यूपेशन देखने को मिलता रहेगा. अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे फाइनली सितंबर 1942 के अंदर ये इंडियन नेशनल आर्मी का सबसे पहला डिवीजन खड़ा करेंगे. करीबन 16,000 आपके सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो
यहाँ से निकल जाते हैं. एंड इन दिस टाइम जैपनीज वर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इन्वेडिंग इंडिया, और जैपनीज को भी लगा कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग हैं एसेंशियली दे नो द टेरेन, दे नो द ज्योग्राफी, दे नो द ट्रिक्स ऑफ द वॉर, क्योंकि ये पहले ब्रिटिशर्स के साइड में फाइट किया करते थे इनिशियल टाइम के अंदर, तो ये उनका भी हेल्प रहते हैं, तो ये क्विड फ्रो को जैसी बात थी. बट लेटर ऑन मोहन सिंह और इनके साथी थे. जब देखिएगा कि ये इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर राजबिहारी बोस जो वो थे ना, मैंने आपको बताया ना बहरूपिया, ये 1942-43 के अंदर फिर से प्रकट होते हैं और वो भी यहाँ पे हेल्प कराते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन के दौरान. ओके, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे तो उनको तो मज़ा आई कि बोले चलो 16,000 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं. गदर के दौरान तो नहीं हो पाया कि चलो अब यहाँ पे हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा. ओके, सो ही थॉट ऑफ इन्वेडिंग इंडिया और जो जापानीज लोगों को वहाँ पे हेल्प किया था. बट खैर इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं जापानीज और मोहन सिंह के बीच में, क्योंकि इनको फाइट नहीं करने दिया जाता है इंडियंस को, और दे थॉट ऑफ कि जापानीज हम लोग को ज़्यादा शोषण कर रहे हैं. सो इनके डिफरेंसेस के दौरान यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आगे कंटिन्यू होते नहीं है और जो आंदोलन मोहन सिंह ने सोचा था वो नहीं हो पाता है. अब देखिएगा कि फेज़ वन तो ख़त्म हुआ INA का, बट ये जो मूवमेंट है वो ख़त्म नहीं होता है. फेज़ टू में यहाँ पे एक लीडर उभर के आता है, सुभाष चंद्र बोस, जो जुलाई 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमांड है वो संभालेंगे और वो बोलेंगे कि नाउ इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वो उसको आगे कंटिन्यू कराने की कोशिश करेंगे. अब मुद्दा ये था कि सुभाष चंद्र बोस को लेके जो पूरा का पूरा इशू चलता रहता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर या आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर, उसके अंदर तो हम नहीं जाएंगे, बट हमको ये समझना है कि एक टाइम के अंदर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बहुत ही स्टॉलवर्ट और बहुत ही यूथ लीडर थे और बहुत ही सोशलिस्ट लीडर के तौर के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया था. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सुभाष चंद्र बोस मूविंग अवे फ्रॉम कांग्रेस, वो क्यों किस तरह से गए, उसके पीछे कोई घटनाएं थी, कोई विचारधारा थी, उसको जानने की कोशिश करेंगे. सो जुलाई 1943 में तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी का जो रीन था, जो कमांड था, वो अपने आप ने एस्टेब्लिश कर दिया था. बट 1943 के पहले के टाइम के अंदर ऐसी कौन सी वाक्या हो गई, ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थोड़े हट गए हैं, उसको हम लोग अभी जान लेते हैं. सो आई ट्राई टू गो बैक टू दी ओल्डर टाइम्स इन 1938. मैं आपको वापस लेना चाहूँगा कि आप अब थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर देखिएगा. ओके, 1929 के अंदर क्या हुआ, नेहरू कमेटी का रिपोर्ट आया. अभी याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस नेहरू कमेटी रिपोर्ट. ओके, नेहरू कमेटी के जो जो मेंबर्स हुआ करते, तेज बहादुर सफरू जैसे लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स. एंड वेन दी रिपोर्ट केम की डोमिनेंट स्टेटस, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं आया. बोले आप डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे हो. एंड एज अ रिजल्ट ही एंड जवाहरलाल बोस एस्टेब्लिश वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग. अभी ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज फैसिनेटेड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज. भारत के अंदर बोले समाजवाद के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्रांति ला सकते हैं, ये विचारधारा के साथ ये लोग थोड़ा आगे चल रहे थे. तो कांग्रेस से धीरे धीरे, कांग्रेस का ही पार्ट थे बट लेफ्ट विद इन कांग्रेस के तौर के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे. 1930s का टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आए. ही केम इन टू प्रोमिनेंस बाय दिस टाइम और इन्होंने अच्छा खासा अपना बेस एस्टेब्लिश किया था. ही वेंट टूवर्ड्स द सोशलिस्ट आइडियाज एंड ही ऑल्सो गॉट पॉपुलर विद इन द कांग्रेस. अब धीरे 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 कांग्रेस के अंदर भी अपनी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन कर रहे हैं. और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1938 के अंदर कांग्रेस का जो सेशन होता है हरिपुरा, वो सेशन के अंदर वो प्रिसाइड करते हैं. सो ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम और वहाँ पे जो अपनी सोशलिस्ट आइडियाज जो थी उसको और यहाँ पे एस्टेब्लिश कराते हैं. ओके, सो ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द हरिपुरा सेशन और वहाँ पे जो आपकी जो प्लानिंग की जो आइडिया थी वो कंसीव की गई थी इनके द्वारा, इनके और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. और इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल प्लानिंग कमिटी जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जब शासन पे होती है बहुत सारे राज्यों के अंदर, तो वो नेशनल प्लानिंग कमिटी की स्थापना यहाँ पे कर दी जाती है. ओके, तो नेशनल प्लानिंग कमिटी अंडर जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द चेयरमैन, ही वॉज मेड द चेयरमैन बाय सुभाष चंद्र बोस. और यहाँ पे आपके सोशलिस्ट ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट विद इन कांग्रेस के तहत. ओके, तो 1938 का टाइम बहुत ही बढ़िया रहा. सुभाष चंद्र बोस अपनी लेफ्ट विंग पॉपुलरिस्ट आइडियाज़ के साथ बहुत ही फेमस होते जा रहे थे. 1939 के दौरान अब यहाँ पे फिर से जो 1905-6-7 वाला मूवमेंट हो रहा था ना, वैसा हुआ. 1905-6-7 में क्या हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट याद करिएगा फिर से. 5 में किसको बना दिया गया कि भाई चलो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया अध्यक्ष, तो एक्सट्रीमिस्ट कुछ नहीं बोल पाए.
छह में दादाभाई नौरोजी को बनाया, कुछ नहीं बोल पाए। सात में रास बिहारी घोष को बनाया तो जूता उछल गया, कुर्सियां उछल गई और मारामारी हो गई, कांग्रेस टूट गई थी। फिर से 1939 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो पॉपुलैरिटी थी वो दिन बर दिन बढ़ रही थी, बट ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ लेफ्ट सोशलिस्ट आइडियाज और एट टाइम्स हिज आइडियाज गॉट इन टू कन्फ्रंट्रेशन और कन्फ्लिक्ट विद द ओल्ड कांग्रेस लीडरशिप। और जब यहाँ पे 1939 के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है त्रिपुरी नाम की जो जगह थी, जो गांव है सेंट्रल इंडिया के अंदर, वहाँ पे ये जो सेशन होगा, ये त्रिपुरी नाम की जगह के ऊपर क्राइसिस चली जाती है, बहुत ही बड़ी क्राइसिस होती है। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा ना, उसको लेके यहाँ पे खींचातानी होगी। सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करते हैं कि आई विल बी कंटेस्टिंग अगेन वन मोर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। बोले मैं फिर से यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष की बनने की रेस के अंदर हूँ। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस तो थे, बट यहाँ पे कांग्रेस के दूसरे भी ओल्डर लीडरशिप जो थी, जो चाहती थी कि कोई और आदमी लीडर बने, तो यहाँ पे गांधी ने बताया कि हम सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते, बट मेरा कोई प्रतिनिधि या मेरा कोई नॉमिनी लीडर बनेगा। ओके, तो गांधी प्रपोज द नेम ऑफ पट्टभी सीतारामैया, पी सीतारामैया। अभी इनका भी नाम बहुत ही हिस्ट्री के अंदर आएगा, जेवीपी कमेटी के अंदर भी आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आपके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की जो तिकड़म चल रही थी 48 और 50s, और उसके बाद आपके बाद फाइनली जब धार कमीशन आया और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते, तो यहाँ पे जेवीपी कमेटी के अंदर ये जो आपके जो पट्टभी सीतारामैया थे, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर। ओके, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। गांधी नॉमिनेट्स द नेम ऑफ पट्टभी सीतारामैया एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी फेमस अमंग द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड द यूथ लीडर्स ऑफ कांग्रेस। एज अ रिजल्ट व्हेन द इलेक्शन टेक्स प्लेस यू विल सी दैट पट्टभी सीतारामैया वॉज डिफिटेड ऑन द हैंड्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के अंदर अध्यक्ष बन जाते हैं और पी सीतारामैया उनकी हार हो जाती है। तो अगेन आई बिकेम द प्रेसिडेंट, और जो लेफ्टिस्ट आइडियाज थे कांग्रेस के, वो फिर से उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे सुभाष चंद्र बोस। अभी कांग्रेस की जो राइट विंग थी उनको पसंद नहीं आता, और साथों साथ गांधी को भी लगता है कि ये तो मुझे पर्सनली इलेक्शन के अंदर हरा दिया गया, उनके नॉमिनी को हराना। अब समझिए कि गांधी जी के नॉमिनी को हराना मतलब क्या है, बोले गांधी को खुद को हराना, ऐसी बात हो गई। तो वो जो था ना कि एक पर्सनल आइडेंटिटी लॉस हो गया था गांधी जी के लिए, और गांधी बताते हैं कि ये मेरा लॉस है। तो पी सीतारामैया तो कंफ्यूज, वो तो बौखला गए थे, बोले क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस अपनी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को ऑल असर्ट करते हुए जब अपनी खुद की कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो काउंसिल थी उसको बनाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, तो कांग्रेस की मेजोरिटी लीडरशिप थी जो राइट विंग के साथ या थोड़ी बहुत गांधी के साथ आइडियोलॉजिकली जुड़ी हुई थी, दे थॉट ऑफ नॉट वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना यह था, बोले गांधी जी का लॉस हुआ है तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के अंदर काम नहीं करेंगे। अभी सुभाष चंद्र बोस को भी लगा कि यार ये तो मेरे लिए इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, और कांग्रेस टूटने की आर के ऊपर थी, कांग्रेस वॉज वंस अगेन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अवे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट का जो कन्फ्लिक्ट था कांग्रेस का वो ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड इन दिस कंडीशन सुभाष चंद्र बोस डिसाइड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम कांग्रेस, बोले मुझे नहीं रहना आपके यहाँ, एंड ही एस्टेब्लिशेस न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आज की तारीख में भी ये जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, वामपंथी जितने भी दल है उन्हीं में से एक ब्लॉक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की तारीख में भी एग्जिस्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। आज की तारीख में भी इंडिया के अंदर वो चुनाव कंटेस्ट करता है। दैट वॉज एस्टेब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस अगेंस्ट द प्रोटेस्ट, अगेंस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस ऑफ नॉट कोऑपरेटिंग विथ हिमसेल्फ। बोले मुझे कोऑपरेट नहीं करा तो मुझे आपका भाग नहीं लेना। एंड इन दिस कंडीशन सुभाष चंद्र बोस 1940 ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द कांग्रेस लीडरशिप। वो वहाँ से दूर होते गए, एंड फाइनली जब वो वहाँ से रिजाइन करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को 1939 के अंदर जो त्रिपुरी के अंदर जो सेशन हुआ उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी देख रहे थे फेज़ वन फेज़ टू के अंदर किस तरह के डेवलपमेंट हुए, और डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस 1943 के अंदर, जुलाई 1943 के अंदर जो पूरा का पूरा यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी
का फेज टू को कंसीव करते हैं, उसके पीछे 1943 तक वो कैसे पहुंचे। 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस से अलग हुए। उसके बाद 1941 के अंदर जर्मनी जाते हैं और वहाँ पे जो जर्मन गवर्नमेंट थी इंक्लूडिंग हिटलर, उसकी मदद लेने की कोशिश करते हैं। फाइनली जुलाई 1943 के अंदर वो रास बिहारी बोस की मदद लेंगे और वहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी को अच्छा खासा उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। फाइनली इन अक्टूबर 1943 ही सेट्स अप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड ही थॉट्स ऑफ इन्वेडिंग इंडिया विद द हेल्प ऑफ जैपनीज और ब्रिटिश आर्मी को यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट देखिएगा, ये भी पैरेलल गवर्नमेंट जैसी थी, जैसे बताया था ना तामलुक बलिया के अंदर, एक तो अफगानिस्तान के अंदर भी किसी ने बनाया था। ओके, एक जेंटलमैन थे हमारे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। बहुत सारी जगहों के ऊपर बनाया गया था, चिटगांव के अंदर बनाया गया था पहला गवर्नमेंट। ओके, सो यू विल सी 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी अपना बनाते हैं एंड लेटर ऑन अपनी आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट्स रखते हैं। एक का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, एक का नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। ओके, तो ऐसे भी नाम रखे थे। दो ही वॉज हैविंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था ना, कि मतभेद था, मनभेद नहीं था। मतभेद मतलब हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे बट मन से हम एक थे। इसके लिए ही बोला गया है कि इन्होंने जो आर्मी के ब्रिगेड्स के नाम रखे, नाम क्या रखे, बोले नेहरू ब्रिगेड। ओके, तो बोले जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके मतभेद बोला जाता है बट स्टिल ही रिस्पेक्टेड हिम और अपनी आर्मी के रेजिमेंट का जो प्लाटून का नाम था उसका नाम तो नेहरू रखा था। ओके, खैर वहाँ के अंदर नहीं जाएंगे और इंडियन नेशनल आर्मी को कंसीव कर दिया जाता है। फाइनली 1944 के आसपास ये जो जैपनीज के साथ इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा, वहाँ पे इनको बहुत बड़ा सेटबैक पड़ता है और ये सेटबैक के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा ये जो इम्फाल नाम की जगह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिया के अंदर, उसको ये लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, INA आज़ादी फौज और साथों साथ आपकी जैपनीज आर्मी। बट ब्रिटिशर्स बाय दिस टाइम वर गेटिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग री इन्फोर्समेंट फ्रॉम देयर अलाइज और यहाँ पे कोहिमा नाम की जगह के ऊपर युद्ध होता था। ओके, सो बैटल ऑफ कोहिमा विच टू प्लेस इन 1944। ओके, दिस आर द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ के और दिस इज कैप्टन लक्ष्मी सैगल, ये जो लेडी आपको दिख रही है सेंटर के अंदर, वो भी क्रांतिकारी थी। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले उनका शायद डेथ हुआ है एंड शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। ओके, तो ये थी 1944 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के अंदर जो थी उसका फाइनली उसका वो है ना पूर्णावती कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा एंड द ब्रिटिशर्स यहाँ पे जैपनीज को डिफीट कर देते हैं ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर और वो जो युद्ध हुआ था, वो जो बैटल हुआ था उसे बोला जाता है बैटल ऑफ कोहिमा। दिस बैटल टुक प्लेस ऑन 4th April 1944 एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट बैटल फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, याद रखेगा कि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डी डे वाली एक बैटल को सब लोग याद करते हैं, जो बैटल ऑफ नॉर्मैंडी जो बोला जाता है फ्रांस के ऊपर जब से ब्रिटिश इन्वेजन शुरू होता है, क्यों फ्रांस जर्मनी ने कैप्चर कर दिया था इनिशियल टाइम्स के अंदर और उसके बाद, तो डी डे की बैटल को वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट बैटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, उसको भी टक्कर दे दी है ये बैटल ऑफ कोहिमा। अभी रिसेंटली ब्रिटिश हिस्टोरियंस और वर्ल्ड हिस्टोरियंस ने उसको एक्नॉलेज किया है कि भाई भारत के अंदर जो लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वहाँ पे ये जो कोहिमा नाम की जगह है वहाँ पे जैपनीज एक साइड के ऊपर और एक साइड के ऊपर ब्रिटिशर्स लड़े थे। उसमें भी एक जो फेमस बैटल जो बहुत ही याद करते हैं इतिहास के अंदर से बोला जाता है टेनिस कोर्ट बैटल। टेनिस कोर्ट के ऊपर इन्होंने युद्ध किया था जैपनीज और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने। अभी टेनिस कोर्ट कोहिमा के अंदर वहाँ का जो डिविजनल कमिश्नर था, जो आपके ICS ऑफिसर थे, उनका बंगलो हुआ करता था और बंगलो के ऊपर जैपनीज ने ऑक्यूपाई कर दिया था वो बंगलो को। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स अटैक देम तो वहाँ पे टेनिस कोर्ट के ऊपर और मतलब बहुत ही माराकाटी हुई थी बट खैर उसके बाद जैपनीज रिट्रीट शुरू हो जाता है। इम्फाल के ऊपर वो लोग अटैक नहीं कर पाते हैं, कोहिमा से फिर धीरे 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 वापस जाएंगे एंड बाय 1945 आपको पता ही होगा कि जापनीज की जो स्पाइन था उसकी कमर तोड़ दी थी अमेरिका ने। ओके, खैर वहाँ पे ना जाते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं 1944 के आसपास का समय, 44-45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार के ऊपर था। ओके, जैपनीज स्टार्टेड रिट्रीटिंग और यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी जो अच्छी खासी चलनी चाहिए, जिसका जो मूवमेंट
जो अच्छा खासा चला था वो भी फेल हो जाता है। लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस का जो ऑफिशियल अभी तक के जो सोर्सेज बताते हैं, खैर उसको लेके भी कंट्रोवर्सी है कि ताइवान में प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मौत हो जाती है, एंड लेटर ऑन उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। ओके, खैर यहाँ पे आ जाते हैं जून 1945 का टाइम। फिर से बैकग्राउंड के अंदर क्या डेवलपमेंट चला, इंडियन लीडर्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, एंड इंडियन लीडर्स को रिलीज़ करने के साथ साथ यहाँ पे वाइसरॉय वेवल भी आते हैं, वाइसरॉय वेवल प्लान भी लेते हैं। वाइसरॉय वेवल उस टाइम पे बताते हैं कि मैं आपको तो छोड़ रहा हूँ जेल से, इंडियन लीडर्स को बताते हैं, बट मेरे जो युद्ध कैदी है ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिन्होंने जो एक टाइम के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्ट हुआ करते थे, बट उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की और गद्दारी करने के बाद अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बना दी, एंड दे ट्राइड टू डू अ रिवॉल्ट अगेंस्ट अस, उन सबको मैं अभी चुन चुन के बदला लूंगा। ओके, सो नाउ वाइसरॉय वेवल विल से दैट नाउ आई एम गोना ट्राई, मैं हरेक को कोर्ट के ऊपर खड़ा करूंगा और सबको कोर्ट मार्शल कर दूंगा। नाउ आई एम गोना ट्राई द प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडियन नेशनल आर्मी के, बोले दोज हू साइडेड विद द जापानीज, दोज हू साइडेड विद द जैप्स एंड डिड गद्दारी विद अस, बोले वो जितने भी गद्दार थे उनके नजर में गद्दार थे। अब याद रखेगा, ये जो है ना, कोई कोई बोलता है कि ये क्रांतिकारी है, कोई बोलता है ये नेशनलिस्ट है, और कोई इनको बताएगा कि भाई ये तो गद्दार है। ओके, तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है अपनी विचारधारा के आधार के ऊपर। खैर वहाँ ना जाते हुए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं कि जून 1945 के अंदर ये चीज़ डिक्लेयर कर दी जाती है कि एक साइड के ऊपर वेवल प्लान चलेगा, वेवल कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरे साइड के ऊपर वाइसरॉय वेवल अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं, बोले आई एम गोना ट्राई द प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु पार्टिसिपेटेड विद द जापानीज अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये वही लोग थे जो एक टाइम के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्ट हुआ करते थे। अब हुआ ये कि जुलाई 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर नई सरकार बनती है। मैंने बताया कि ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस थे, और इलेक्शंस के चक्कर में उन्होंने लॉर्ड वेवल को यहाँ पे भेजा था, किसने, चर्चिल और कंपनी ने। अब हुआ ये कि चर्चिल हार जाता है। अब ये भी बहुत ही, खैर हम लोग इतिहास के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। द ब्रिटिश पीपल When the 1945 elections took place, वहाँ पे conservatives ऐसा बोला जाता कि जीत जाएंगे, कि चर्चिल, एक तो मेन तो चर्चिल ही था, चर्चिल वॉज एवरी थिंग फॉर इंग्लैंड, एक ऐसा इंसान जिसने इंग्लैंड को हारते हारते जिता दिया था, मतलब हार की कगार के ऊपर था, इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट, बट बोला जाता है इट वॉज द लीडरशिप ऑफ चर्चिल विच रीइंस्टेटेड दी लाइक नो कॉन्फिडेंस इन द पीपल, बोले नहीं नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो चर्चिल नाम का इंसान, विंस्टन चर्चिल, who was the British Prime Minister and who gave victory to the Britishers against the German and the other forces, the Second World War, was routed by the people of England when the next elections took place. अभी देखिएगा कि इंग्लैंड के अंदर प्रजा है ना कि डेमोक्रेटिक अपने हिसाब से, अभी EU के अंदर भी इन्होंने पूरा का पूरा अलग ही अगेंस्ट दी टाइड जाते हुए दे थॉट ऑफ लाइक नो नॉट बींग अ पार्ट ऑफ EU, बोले हमको नहीं रहना है। 1945 के अंदर भी यही हुआ, जब इलेक्शंस हुए तो चर्चिल वॉज वेरी पॉपुलर, सबको यही लगता था कि चर्चिल जीतेगा, बोले चर्चिल जीतने ही वाला है, बोले विक्ट्री दिलाई है यार आप कोई आप अपने देश को युद्ध के अंदर विक्ट्री दिलाते हो तो एक स्टेट्समैन के तौर के ऊपर आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट हो जाती, बोले इसी ने ही विक्ट्री दिलाई है भारत को। जैसे 71 में अंदर आप देखोगे कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया बोला जाता है ना, क्यों, क्योंकि आपने बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, इतनी पॉपुलर थी, तो इलेक्शंस होते तो वो पावर पे आती। वहाँ पे ऐसा ही बोला गया कि भाई चर्चिल पावर के ऊपर आएगा, बट कहानी कुछ उल्टी हो जाती है। क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी बोली जाती है, और वो भी नई नई, उनका कुछ ज़्यादा बेस नहीं था, वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। क्लेमेंट एटली बोला जाता है कि ही कन्विंस द ब्रिटिश पीपल, और उन्हें बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला जाता है। द ब्रिटिश पीपल वोटेड फॉर क्लेमेंट एटली अगेंस्ट विंस्टन चर्चिल, कारण यही बोलाया जाता है कि क्लेमेंट एटली कन्विंस पीपल इन द नेम कि नाउ द ब्रिटेन नीड्स नो वॉर, नाउ द ब्रिटेन नीड्स रिकंस्ट्रक्शन, बोले चर्चिल एज अ स्टेट्समैन इज अ सुपर पर्सन, बोले वो एक एक देश को लीड करने के लिए युद्ध के अंदर बहुत ही जोरदार आदमी है, बट हमको क्या चाहिए, हमको नया ब्रिटेन बनाना है, नया इंग्लैंड बनाना है, तो उसके लिए आप मुझे वोट दो, and he convinced people and the people voted in favor of Clement Attlee. Okay, so in this condition July 1945 के अंदर Clement Attlee की सरकार लेबर पार्टी की वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर सरकार बनाएगी, and August 1945 के अंदर Clement Attlee लंदन से डिक्लेयर करता है कि हम लोग अब भारत के अंदर चुनाव कराएंगे, हमारे यहाँ तो हो गए
Now we will be having the elections in India. अब देखिएगा कि जून 1945 के अंदर वेवल ने क्या बताया. वेवल सेड ऑफ वन थिंग, बोले आई विल बी ट्राइंग द प्रिजनर्स, आई विल बी ट्राइंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और जुलाई 1945 के अंदर एक महीने के अंदर ये बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे इलेक्शंस भी कराएंगे इंडिया के अंदर. अब देखिएगा कि इलेक्शंस होने के पीछे सरकार का क्या अभिगम चेंज हो रहा था. व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया. पहले कंजर्वेटिव्स थे, अब लेबर आ गई है, तो लेबर ने बताया हमारे हिसाब से करना है. द न्यू लेबर गवर्नमेंट वॉज वेरी मच सिंपथेटिक टू द इंडियन कॉज, बोले इनको आज़ादी दो जितनी हो सके उस हिसाब से हम लोग करेंगे. यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे समाजवादी जो विचारधारा थी, लेबर पार्टी एसेंशियली समाजवादी विचारधारा से ही उभर के आ रही है. ओके, तो जेरेमी कॉर्बिन को भी अभी तो हटाने की बात करें जो लेबर पार्टी के लीडर है वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर. ओके, द ब्रिटिश इकोनॉमी वॉज शैटर्ड. वहाँ के सोल्जर्स से उनको भी बहुत ही नुकसान हुआ था. और साथों साथ लेबर पार्टी को लग रहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा दूसरा मूवमेंट अगर इस टाइम के अंदर लॉन्च कर दिया गया ना तो हमारी तो मतलब इज्जत निकाल देंगे ये लोग. ओके, तो बहुत बुरी तरह से हमको परेशान कर देंगे, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे इलेक्शंस कराते, उसके बाद ग्रेजुअली वील ट्राई टू मूव आउट. ओके, सो इलेक्शंस वर इनएविटेबल बाय दिस टाइम एंड द लास्ट टुक प्लेस इन 1937. और इसी के बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे बोला जाता है कि क्लेमेंट एटली बताता है कि आई विल ट्राई टू हैव इलेक्शंस इन इंडिया. और साथों साथ दो चीज़ हुआ. अब देखिएगा कि यहाँ पे तीन चीज़ हो रही थी. जून 1945 वाइसरॉय वेवल क्या बताता है, बोले मैं आया हूँ और ये जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर है इंडियन नेशनल आर्मी के जो हमारे खिलाफ इन्होंने रिवॉल्ट किया है उन सबको मैं लटकाऊंगा, उनको सबको कोर्ट मार्शल करूंगा. जुलाई 1945 के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बताया कि हम लोग इलेक्शंस रखेंगे और इलेक्शंस के लिए तैयारी कर दो. अभी हमारे लोग भी तैयार हो गए. अब देखिएगा कि कांग्रेस क्या करेगी. अब कांग्रेस सॉ दिस थिंग, एक साइड के ऊपर वेवल प्लान तो फेल हो रहा था बैकग्राउंड में और एक साइड के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे वाइसरॉय बैठा था, वाइसरॉय बताता है कि आई एम विल ट्राइंग द इंडियन प्रिजनर्स. बोले अब देखिएगा कांग्रेस बताएगी कि मैं इन सब का उपयोग करूंगा इलेक्शंस में बट ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोलूंगा. द कांग्रेस एंड गांधीयन लीडरशिप प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द 1945-46 इलेक्शन कैंपेन एंड व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्टेड विथ द कोर्ट मार्शल प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कांग्रेस ट्राइड टू मेक इट एन इलेक्शन प्लैंक बट नॉट ऑन ऑफिशियल लेवल. देखिएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस कैसे खेलती है. ये गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी और ये गांधीयन लीडरशिप थी, ये बताती है कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के आप जितने भी सिपाहियों को कोर्ट मार्शल करने की बात कर रहे हो ना, ये आपके लिए गद्दार हो गए भाई साहब बट हमारे लिए राष्ट्रवादी है, हमारे लिए क्रांतिकारी लोग है. दे आर नेशनलिस्ट फॉर अस, दे आर दी रिवॉल्यूशनरी पीपल ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट द इंपीरियलिस्टिक फोर्सेज एंड इफ यू ट्राई देम विल मेक श्योर दैट योर ऑब्जेक्टिव इज डिफीटेड. And in this conditions, when the Indian National Army trial started at Red Fort, तो आपको देखने को मिलेगा कि सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर लाया गया. एक साइड के ऊपर कांग्रेस लीडरशिप बताती है that we will not tolerate this kind of injustice to our people. बोले आप हमारे लोगों को इतना कोर्ट मार्शल कराने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सबसे पहला यहाँ पे मुकदमा चलता है लाल किले के अंदर. लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बेस भी हुआ करता था. तो वहाँ पे यहाँ पे तीन आपके इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को यहाँ पे ये लोग कोर्ट मार्शल करने की प्रोसेस चलाते. पहले का नाम था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबाज सिंह ढिल्लो. ओके, इन तीनों को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स से और इन तीनों को कोर्ट मार्शल कराने की कोशिश की जाती है. अब मुद्दा ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ रहा था कि भाई आपके लिए वो गद्दार हो गए बट हमारे लिए ये इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर्स है और हमारी भारत को आज़ादी देने वाले हमारे राष्ट्रवादी लोग है. सो इन दिस कंडीशन यू विल सी दैट द रेड फोर्ट ट्रायल टुक प्लेस बिटवीन नवंबर 1945 टू मे 1946. और यहाँ पे ये जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चला, इसी के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ. अब हमको ये देखना है कि व्हाट वाज़ द कांग्रेस प्रोसेस, व्हाट वाज़ द रिस्पांस फ्रॉम द कांग्रेस लीडरशिप. सितंबर 1945 के अंदर बॉम्बे के अंदर एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग के अंदर बोल दिया जाता है दैट द कांग्रेस वुड ऑफिशियली डिफेंड दी INA प्रिजनर्स. बोले यहाँ पे जितने भी हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर यहाँ पे इन्होंने पकड़े हुए हैं उन सबको हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे. दिस लीडरशिप ऑफ कांग्रेस इंक्लूडेड दी स्टॉलवर्ट्स ऑफ कांग्रेस हु वर ऑल्सो दी लॉयर्स.
were the one of the most prominent lawyers. Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapru, K.N. Karju, Nehru, Asif Ali jaise log the, ye sab ne decide kar diya ki hum yahan pe Indian National Army ke jitne bhi prisoners of war hai, un sab ki pairvi karne jayenge. This is the picture. This is a picture of Nehru, Bhulabhai Desai, Karju jaise log hai jo Lal Kile ke andar ja rahe hai. Okay, so we'll be defending international soldiers at the Red Fort trial. To yahan pe aapko dekhne ko milega ki Red Fort ke andar jo mukadma chalta hai, jo case chalta hai court martial ka, usko defend karne ke liye Congress yahan pe apne officially lawyers ke dwara yahan pe dekhne ko milegi. प्रो इंडियन नेशनल आर्मी के सेंटीमेंट्स बहुत बढ़ चुके थे विद इन द इंडियन आर्मी. जो आपके यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके अंदर साथों साथ आपकी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी थी, वहाँ के लोग भी इनके लिए सिंपथाइज कर रहे थे, बोले आप इनको कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते. ओके, मैन ऑफ द आर्म फोर्सेज वर ऑल्सो सिंपथेटिक एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड अटेंडिंग मीटिंग्स इन फेवर ऑफ दिस पीपल. बोले इनको बचाना है, इनके लिए जो भी खर्चा पानी देना पड़ेगा हम लोग देंगे, हम लोग को इनके लिए जो भी लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, बट वील मेक श्योर दैट दे आर नॉट कोर्ट मार्शल. ओके, फंड कलेक्शंस वर ऑर्गेनाइज बाय द कांग्रेस लीडरशिप. मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा आदि इत्यादि जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे ऑल स्टार्टेड सपोर्टिंग द INA ट्रायल केसेस. बोले हम लोग इनकी मदद करेंगे, आपके लिए गद्दार हो गए, हमारे लिए ये राष्ट्रवादी है. अब देखने को ये मिलेगा आपको कि इन द बैकग्राउंड व्हेन द कांग्रेस वाज डिफेंडिंग, व्हेन द कांग्रेस लीडरशिप एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज वाज स्टार्टिंग द एजिटेशन अगेंस्ट द ट्रायल्स, यहाँ पे तीन बड़े आर्मी और नेवी के अपसर्जिस हो जाते हैं, तीन बड़े रिवॉल्ट्स, तीन बड़े म्यूटिनी जैसी घटनाएं हो जाती है जो आपको याद रखनी है. 1945, 1946 के अंदर दौरान ही ये विंटर दिसंबर 1945 से लेके फरवरी 1946 के इन बिटवीन दिस मूवमेंट्स टुक प्लेस. ओके, तो हमको ये देखना है ये कहाँ कहाँ हुआ. सबसे पहले हुआ फरवरी 21, 1945 के दौरान यहाँ पे कलकत्ता के अंदर. कलकत्ता के अंदर भी यही हुआ कि आपकी आर्मी जो थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके बहुत सारे सोल्जर्स दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कोर्ट मार्शल केसेस विच वर गोइंग ऑन अगेंस्ट देयर ओन ब्रदर्स. ओके, जो आपके आर्मी के खुद के उनके भाई बंधु थे उनके विरोध में यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा था, उनके विरुद्ध में जो यहाँ पे केसेस चला रहे थे, उनको लेके इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया. दूसरा यहाँ पे विद्रोह होता है कलकत्ता के अंदर ही, जब 7 साल का आपको इंडियन नेशनल आर्मी का एक ऑफिसर था राशिद अली, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बताती है, ब्रिटिश कोर्ट बताता है कि ही सेंटेंस टू 7 ईयर्स प्रिजन. तो उसको लेके यहाँ पे इंडियन आर्मी के लोग फरवरी 1946 के अंदर फिर से विद्रॉ कर देते हैं कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, हम लोग यहाँ पे चलाएंगे नहीं. और इसके बाद तीसरा आपको देखने को मिलेगा विद इन अ वीक यहाँ पे नेवी, यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी, जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी, उसके ऑफिसर्स और उसके जो सेलर्स थे वो यहाँ पे विद्रॉ करेंगे. एंड दिस रिवॉल्ट स्टार्टेड इन बॉम्बे वेर अ शिप नेम HFIS तलवार, उसका एक सेलर था, उसका एक रेटिंग था, उसको बोला जाता है, सेलर को रेटिंग बोला करते थे जो आपका यंग सिपाही हुआ करता था शिप के ऊपर. ही स्क्रिबल्ड क्विट इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, ब्रिटिशर्स को बोला उसने खुद से, उसने होता है ना पेन वेन लेके या ऐसा शार्प एज ऑब्जेक्ट लेके उसने स्क्रिबल कर दिया क्विट इंडिया, ब्रिटिशर्स को बोला भारत छोड़ो. ओके, सो इन दिस कंडीशन व्हेन दिस रेटिंग रोट क्विट इंडिया इन दिस शिप, द ब्रिटिशर्स अरेस्टेड, एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स अरेस्टेड दिस ऑफिसर एंड द नेवल सिपाही फ्रॉम दिस शिप, तो ऑल द नेवल ऑफिसर एंड द सोल्जर्स बिलोंगिंग टू द इंडियन कम्युनिटी दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड दे वेंट ऑन स्ट्राइक. तो जब ये लोग स्ट्राइक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको तीन एक पैटर्न देखने को मिलेगा. सबसे पहला, इन्होंने अथॉरिटी को डिफाई किया एंड दे वर रिप्रेस, दे वर सप्रेस बाय द ब्रिटिशर्स. इन सेकेंड केस यू विल सी कि जब ये आंदोलन बढ़ता है तो और भी शहर के लोग जुड़ जाते हैं. कलकत्ता के अंदर भी यही हुआ, बॉम्बे के अंदर भी यही हुआ, और जब बॉम्बे के अंदर म्यूटिनी हुई तो तीसरे इसको ही कंटिन्यू, जो कराची के अंदर जो नेवल बेस था आपका, वहाँ पे भी ये लोग रिवॉल्ट कर देते हैं आपके नेवी के लोग, और वहाँ पे भी पूरी की पूरी हड़ताल और स्ट्राइक और वो लोग तोड़फोड़ की तरफ चले जाते हैं. इन लेटर टाइम यू विल सी दैट द पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड दे ऑल्सो रेज सम काइंड ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स द इंडियन सोल्जर्स. हमको ये देखना है
कि what were the reasons, what were the fundamental reasons behind all this naval mutinies and army mutiny during the 1945 and 46 period. ये जो naval mutiny हुआ, RIN mutiny of 1946, इसको बोला जाता है, okay. इसके पहले हमारे जो फरवरी और नवंबर के अंदर भी जो हुआ उसके पीछे के कारण थे. What were the reasons behind this mutinies हमको देखने हैं. Fundamental reasons आपको देखने को मिलेगा. जैसे 1857 याद करिएगा, 1857 में मिलिट्री कॉजेस देखा था ना हमने. What was the fundamental reason behind this military cause? बोले the Indian soldiers were discriminated. था कि नहीं था? The Indian soldiers were discriminated. They were not giving good salary, not good food. Made to go to extensive campaigns in Afghanistan and whatsoever places, and they were not having good salary. तो जब ये सब आंदोलन, ये सब गुस्सा था, ये गुस्सा कहाँ पे भड़का? Enfield नाम की rifle आ गई उस time, और rifle वही rifle का सहारा लेके हमारे लोगों ने उनको मारा. बोले तुम निकलो यहाँ से, और उन्हें रिवॉल्ट कर दिया. यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी ना वो कभी सुधरी नहीं है. 1857 को ऑलमोस्ट 90 साल हो चुके थे, 1946 का टाइम था, फिर उन्होंने वही गलती की. दे वर हैविंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दे स्टार्टेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स. उसको सुधारने की कोशिश नहीं की थी. हमारे नेवल ऑफिसर्स थे, हमारे आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको ये लोग रेशियली अब्यूज़ करते रहते थे. दूसरा, इनको कंटिन्यूसली अब्यूज़ होता रहता था सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा. सैलरी वैली अच्छा नहीं दिया जाता था, खाना नहीं अच्छा दिया जाता. अभी ये सब गुस्सा सदियों से चलता आ रहा था. 1857 में भड़का, इसके बाद बीच में एक दफ़ा सिंगापुर में भी भड़क गया था 1920s में, 1915 के आसपास का समय जो था, 1915 एंड 20s का टाइम का, वहाँ पे भी छोटा मोटा रिवॉल्ट हुआ था. आप किताब के अंदर पढ़ लीजिएगा. फाइनली यू विल सी दैट इनको आपको देखने को मिलेगा कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, रेशियल अब्यूज़ हो रहा है, सैलरी अच्छी नहीं दी जा रही थी. ऑल दिस थिंग क्लब टुगेदर विद द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स. इनको गुस्सा तो था ही ऑलरेडी, और जब INA के ट्रायल्स किए गए और इतना जो था ना स्फोटक परिस्थिति, तो वो स्फोटक परिस्थिति विस्फोटक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाएगा. एंड वैसे इट ब्लास्टेड एंड इट लिटरली टुक अवे द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कि बोले ये क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा. बोले अब तो आर्मी के नेवी जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के सबसे सुपीरियर आर्म्स हुआ करते थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट कर दिया. एंड इन दिस कंडीशन यू विल सी कि वहाँ पे जो हेरल्ड प्रेस थी वो पब्लिक इशू करती है. बॉम्बे स्वेप्ट बाय एब्सोल्यूट रिबेलियन. बॉम्बे के अंदर इतना रिबेलियन हो जाता है, आपके जितने भी सोल्जर्स थे रेटिंग से, वो लोग बात बात के ऊपर, रास्ते के ऊपर आ जाएंगे, और ब्रिटिशर्स भी फोर्स यूज कर रही है. यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, ऑल दिस आर द रेटिंग्स. ओके, ये जो दूसरा फोटो है वहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं. तो यू विल सी दिस थिंग्स कि इतना आंदोलन बढ़ गया था, ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस कर रहे थे, इनको भी मार रहे थे, ये लोग फिर रास्ते के ऊपर आ रहे थे. फाइनली टू लीडर्स ट्राई टू इंटरवीन, वन फ्रॉम द मुस्लिम लीग एंड अदर वन फ्रॉम द कांग्रेस. यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल बताते हैं हमारे सोल्जर्स को, हमारे नेवल सिपॉयज को, रेटिंग्स को, कि आप लोग हिंसा मत कीजिए, यू गो बैक टू योर बैरक्स, योर ग्रीवेंसेस विल बी रेज बाय द कांग्रेस. देखो हम लोग आपकी पैरवी कर ही रहे हैं. डोंट फील दिस थिंग कि आप लोग की कोई मदद नहीं कर रहा है. साथ ही साथ जिना भी बताते हैं कि आप वापस चले जाइए कराची और बॉम्बे या कलकत्ता के अंदर आदि इत्यादि जगह के ऊपर. ओके, रॉयल इंडियन नेवी बहुत ही बड़ी म्यूटिनी हुई थी. आप किताब के अंदर जब पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा. ओके, तो ये चीज़ थी जो ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके फाउंडेशंस को हिला के रख देती है. अब हमको ये देखना है कि ये तीनों की तीनों म्यूटिनीज हुई और इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए उसको लेके अंग्रेज़ों का क्या ओपिनियन रहा है, और उसको हम लोग इवेल्यूएट करते हैं. पहला बोला जाता है इट वाज अ फियरलेस एक्शन बाय मासेस. लोग डरते ही नहीं थे, अब तो बात बात के ऊपर, रास्ते के ऊपर आ जाते. वो फियर चला गया था कि भाई अंग्रेज़ मारेंगे पिटेंगे कोई बात नहीं. एक को मारा 100 खड़े होंगे, 100 को मारा 200 खड़े होंगे, 200 को मारा 2000 खड़े हो जाएंगे. ओके, सो इन दिस कंडीशन यू विल सी दैट द मासेस were very much fearlessness. Okay. Secondly, the revolt had a very rebelling effect on the mind of the people. आप देखिएगा कि लोगों को सबसे पहले जब लोग revolt करते थे, जब लोग protest करते थे, तो उनको suppress करने के लिए किसका force, किसका use किया जाता था? बोले defense forces का. अब क्या हो रहा है, आपकी defense forces खुद protest कर रही है. तो अंग्रेजों को तो समझ में नहीं आया कि भाई साहब हुआ क्या ये. बोले जिन लोग का सहारा लेके हम लोग हमारे इंडियंस को सप्रेस कर रहे थे, अब वो ही हमारे कहे में नहीं रहे, तो होम वी विल टेक हेल्प ऑफ. सो इन दिस कंडीशन द पीपल रियलाइज दैट द डिफेंस फोर्सेज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग विथ अस.
हम लोग आंदोलन किए जा रहे थे इतने सालों से, अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी हम लोग को सहारा दे रही है. सो वो जो लिबरेशन था ना, बोले अब तो इनको कोई नहीं रख सकता. और इसी के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है दैट द रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवॉल्ट हुआ 1946 वाज सीज एज ए इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशियर्स का जो था ना, जो आत्मा जो थी वो कहाँ पे थी, इन्होंने आइडियोलॉजिकली हम लोग को कैप्चर किया था. अब नाउ द आइडियोलॉजिकल कैप्चर वॉज लिबरेटेड. बोले अब जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाला केस हो गया था. पीपल थॉट कि अब इनको सप्रेस करने वाले, हमको सप्रेस करने वाले बचे ही नहीं है कोई. बट इसके लिए एक हिस्टोरियन बताते हैं दैट द रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट और द RIN म्यूटिनी ऑफ 1946 वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ वो सबसे आखिरी किला साबित होता है. फाइनल नेल मतलब क्या है कि आपका कॉफिन रेडी हो गया है, आपकी बॉडी अंदर प्लेस कर दी गई है, ऊपर एक किला मारना है और फाइनली उसको दफना देना है. द स्पिरिट थ्रू विच द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू कैप्चर ओवर इंडियन पीपल हैड बीन ब्रोकन अवे. ये जो पूरा का पूरा आंदोलन जब चलता है यहां पे, और इसके लिए ये बताया गया है, बोले आखिरी किला है ताबूत के अंदर, वो उसको मार दिया उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग सिंपथाइज कर रहे थे, ऑलरेडी आपकी कांग्रेस लीडरशिप लोगों को जगजुगा चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही थी. इट वॉज ओनली द डिफेंस फोर्सेज विच वॉज स्टिल कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स. एंड नाउ यू विल सी दैट द डिफेंस फोर्सेज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि अंग्रेजों के लिए अब बहुत ही चंद दिन बचे थे यहाँ पे. In this background, you will see when this revolt took place and the Britishers tried to suppress this thing, जब government का response आता है तो government backfoot के ऊपर चली जाएगी. Government बोलेगी गलती कर दी भाई साहब, अब हमारी demand तो मान जाओ. The government announced that only those IN members who are accused of murder or brutal treatment of fellow prisoners would be brought to trials. अभी देखेगा, only accused of violence. अभी सबके सब इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स ने, आजादी फौज के हरेक सिपाही ने तो लड़ाई नहीं लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध में, थोड़े बहुत बैरेक्स में थे, थोड़े बहुत पीछे थे. तो सरकार ने बताया कि जिन जिन लोगों को हमको पता चलता है कि जिन लोगों अक्यूज के तौर के ऊपर है, जिन्होंने वॉयलेंट हिंसा भिंसा की, उनको ही हम लोग पकड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं पकड़ेंगे. साथों साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से अपना रुख अख्तियार करने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि वी आर स्टिल सिंसियर अबाउट द इंडियन पीपल. और इसी के बैकग्राउंड के अंदर ये लोग यहाँ पे कैबिनेट मिशन भारत को भेजने की डिक्लेरेशन करते हैं. ओके, सो क्लेमेंट एटली लंदन में बैठा बैठा बताता है, विट आई विल सेंड अ कैबिनेट मिशन. अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कैबिनेट मिशन को. उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत इलेक्शंस का देख लेते हैं, उसके बाद कैबिनेट मिशन को देखेंगे. इलेक्शंस 1945-46 के अंदर याद रखेगा, कांग्रेस ने ऑफिशियल प्लैंक नहीं बनाया था बट उसी के मुद्दे के ऊपर इलेक्शंस लड़ा गया था. ओके, अब इसका क्या रिजल्ट आता है एसेंशियली हम लोग देखते थे. ओके, कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही थी, इट डिड नॉट सपोर्ट द सर्जेस. ये जो अपसर्ज हुआ उसने कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, बट इलेक्शंस में इसका भरपूर फायदा उठाया गया. ओके, एंड रिलीफ फंड्स भी इन्होंने बहुत सारा अच्छा खासा किया. इलेक्शन रिजल्ट्स अगर हमको देखना है तो इलेक्शंस कैसे हुए 1945-46 के अंदर, जैसे 37 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे तो कांग्रेस अच्छी खासी सरकार बना के आती है, यहाँ पे किस तरह से बनाती है उसको जान लेते हैं. एक साइड पे ऊपर कांग्रेस थी, दूसरे साइड के ऊपर मुस्लिम लीग थी. कांग्रेस कहाँ कहाँ जीतती है? कांग्रेस गॉट ऑलमोस्ट 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, मुस्लिम वोट्स उसको 9% ही मिलते हैं. ऑलमोस्ट मेजोरिटी इनटू सेंट्रल असेंबली, 102 में से 57 सीटें, मतलब मेजोरिटी कांग्रेस की सरकार बन सकती है. सेकेंडली कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट 2 or 3. कौन से थे हम लोग देख देते, बंगाल, पंजाब और सिंध जो मुस्लिम लीग को मिले उसको छोड़ के हुए, बाकी सब प्रोविंसेस के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनती है. यहाँ पे भी यही था ना 1937 में, शायद तक बंगाल, पंजाब और सिंध ये 2-3 प्रोविंसेस को छोड़ के बाकी मेजर प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है. यहाँ पे भी आपको यही जानने को मिलेगा. ओके, बंगाल, पंजाब और सिंध के अंदर किसकी सरकार बनी? मुस्लिम लीग की. मुस्लिम लीग को ऑलमोस्ट 86-87% मुस्लिम वोट्स मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट्स था ना उस टाइम के अंदर, तो मुस्लिम लीग को अपने हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से वोट मिलते हैं. इनके लिए जो 30 रिजर्व सीट्स थी वो ये लोग जीत जाते हैं असेंबली के अंदर. ओके, 1998 का एक प्रश्न देखते हैं, फिर कैबिनेट मिशन देखेंगे. 2-3 प्रश्न है, खैर कहाँ आते. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, कहाँ पे है?
1324 1324 1342 and 3142, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश कर देते हैं। क्या था देखो, द राइट आंसर इज 1324। देख लेते हैं कौन सा था। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा घर पे बैठे। ऑगस्ट ऑफर कब आया? 1940 में, सॉरी। सेकेंडली INA ट्रायल्स 1945, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, एंड फाइनली रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी कब हुई? 1946 फरवरी के अंदर। ओके, तो ये है 2005 का एक और प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द वाइसराय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। दूसरा है IN रिवॉल्ट 1946 व्हेन द सेलर्स ऑफ बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा होगा? लॉर्ड माउंटबेटन कब आए? वो तो सबसे लास्ट में आए थे। शिमला के दौरान कौन थे? शिमला के दौरान थे आपके लॉर्ड वेवल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर बी ओनली। ओके, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक और प्रश्न है। 1939 विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस व्हेन ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। आजाद हिंद फौज 1943 के अंदर था। ओके, यहाँ पे 1939 40 का टाइम है। क्या था? ये नहीं था। द राइट आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, त्रिपुरी के बाद क्राइसिस हुए, वो छोड़ देते हैं कांग्रेस को। ओके, अब कैबिनेट मिशन के दौरान देखेंगे।